अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक ई अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन है, शेप है, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट्स में आता है। प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी है बैक्टीरिया, यानी कि इनमें कोई डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो नहीं पाए जाते, जैसे कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं है और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो इनमें एब्सेंट हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टाइप्स ऑफ जो हम कहते हैं ऑर्गेनल्स इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इनके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में फ्लैजिला होते हैं, सीलियम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैप्सूल वगैरह जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, प्लास्मिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये इनका जो है वो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनल कॉम्पोजिशन होती है। और ये हर बैक्टीरिया में एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ में ऐसे होते हैं कि ये एब्सेंट भी होते हैं और मोस्टली जो है उनमें वेरिएशन आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिहाज से भी हम बात करेंगे कि जो सेल वॉल है वो भी एक एक्सेप्शन है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो विदाउट सेल वॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम सबसे पहले जो है वो साइज़ को डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया का साइज़ है वो क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपने जो साइज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको याद रखना है। अगर हम जनरल बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें तो वो रेंज जो है उसकी जनरल वो है 0.1 to 600 माइक्रोमीटर सिंगल डायमेंशन में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज़ के साइज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा की मैंने बात की कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो विदाउट सेल वॉल है, तो माइकोप्लाज्मा जो है इसका डायमीटर जो है वो है अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा जैसे इसकेरिशिया कोलाई जो है ये बैसिलस एक टाइप है बैक्टीरिया की, एक शेप है, तो उसकी कैटेगरी में जाता है इसकेरिशिया कोलाई, जिसे हम कोड वर्ड में ई कोलाई भी बोलते हैं। तो इसके जो वाइडनेस है वो है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर और 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये आपने MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसके साइज़ हैं वो याद रखने हैं, ये चीज़ें जो हैं। इसके अलावा कुछ स्पायरोकीट्स हैं, ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया होता है स्पायरोकीट, तो इसकी जो लेंथ है वो है 500 माइक्रोमीटर तक। इसके अलावा जैसे स्टेफाइलोकोकाई है एंड स्टेप्टोकोकाई, इनकी जो डायमीटर है वो है अबाउट 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये तो हमने जो है उसका साइज़ देख लिया ना कि कौन सा बैक्टीरिया किस रेंज में हमारे पास आता है, उसका साइज़ जो है वो किस रेंज में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे ये है कि एक बैक्टीरिया है जिसे हम बोलते हैं एप्यूलोफिशियम फिशियल सोनाई। ये एक ब्राउन सर्जन फिश है जिसे हम कहते हैं एक एंथ्रस नाइग्रोफिस्कस। इसकी जो है बॉडी है, इसके इंटरनल जो है वो ये एग्जिस्ट करता है ये बैक्टीरिया। इसका जो साइज़ है ये लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया अभी तक है, जिसका जो साइज़ है वो है 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और ये इसका जो साइज़ है वो होता है अबाउट प्रिंटेड हाइफन, कि जो हाइफन प्रिंटेड हाइफन होता है बुक्स वगैरह पे अक्सर आपने देखा होगा, तो उस प्रिंटेड हाइफन जितना इस बैक्टीरिया का साइज़ है, यानी कि इसे देखा जा सकता है, ये इतना लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। तो इसको भी जो है आपने MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। तो ये कुछ इसके साइज़ हैं, ठीक है, जिनमें ये मैंने आपको सारा इसकी ओवरऑल जो रेंज है वो बता दी, इसकी भी रेंज आपके सामने। ये आपने जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। इसके अलावा जो है हम जो बैक्टीरिया की जनरल शेप है उसको डिस्कस करेंगे। हम बैक्टीरिया की जो शेप है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि शेप की अब हम बात करें बैक्टीरिया जो है ये थ्री फॉर्म्स में, थ्री शेप्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इसकी शेप है कोकाई, सेकंड है बैसिलस और थर्ड है स्पाइरल शेप। तो इन थ्री शेप्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे अपनी इस फर्स्ट कैटेगरी को जिसमें है कोकाई। अच्छा, जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप होती है इनकी, ठीक है जी, ओवल शेप के होते हैं। इसके अलावा ओवल शेप यानी कि इस तरह से ये शेप, ठीक है जी, ये होती है ओवल शेप।
अब जो इनकी डिवीजन है, इनकी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि ये किस किस प्लेन ऑफ डिवीजन में जाकर डिवाइड हो रहे हैं, यानी इनकी जो डिवीजन है वो किस प्लेन में हो रही है, किस कैटेगरी में इनकी जो डिवीजन है वो परफॉर्म हो रही है। अब इस तरह हो अगर कि अगर सिंगल सिंगल यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये कोकाई है और दूसरा ये है, अब ये तो सिंगल हम इनको बोलेंगे कोकाई, दीज आर कोकाई। अब अगर ऐसा हो कि ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में, लाइक पेयर्स की फॉर्म में किस तरह से, इस तरह से, तो ये अब एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पेयर्स की फॉर्म में है, तो अब इस कंडीशन को हम कहेंगे कोकाई, ठीक है जी। अब क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में है तो पेयर की फॉर्म की वजह से हम इनको कहेंगे डिप्लो कोकाई, ठीक है जी, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में है। अब अगर ऐसा हो कि जो कोकाई हैं ये एक सिंगल डायमेंशन में एक लॉन्ग चेन बना दें, ठीक है जी, यानी कि एक सिंगल प्लेन में, वन प्लेन में एक लॉन्ग चेन बना दें, तो फिर हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह ये चेन बना देते हैं, लाइक इस तरह से, अब ये बैक्टीरिया जो कोकाई हैं इन्होंने क्या किया कि एक लॉन्ग सिंगल प्लेन में एक लॉन्ग चेन बना दी। अब ये जो लॉन्ग चेन बन गई है इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है जी। ये हमारे पास थ्री इसकी जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है वो आ गई, जिसमें अगर तो सिंगल सिंगल हैं तो कोकाई, अगर पेयर्ड की फॉर्म में है तो डिप्लोकोकाई, और अगर बैक्टीरिया जो कोकाई है ये एक सिंगल डायमेंशन में, एक सिंगल प्लेन में जो है वो लॉन्ग चेन बना रहे हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके अलावा अब अगर जो कोकाई हैं इनकी जो डिवीजन है वो टू प्लेन्स में हो जाए, लाइक किस तरह से, टू प्लेन्स का मतलब है, अब ये एक ही प्लेन है, टू प्लेन्स का मतलब है कि इस तरह से, लाइक दिस वन। अब ये जो हमारे पास आ गई टू प्लेन्स में डिवीजन, तो ये जो टू प्लेन्स में डिवीजन आ गई इसको हम नाम देंगे टेट्राड का, टेट्राड। अब ये टेट्राड क्या है, टेट्राड जो है ये स्क्वायर होता है जिसके अंदर फोर कोकाई होते हैं, अ स्क्वायर ऑफ फोर कोकाई उसको हम बोलेंगे टेट्राड, ठीक है जी। ये आपने MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाने वाला है कि जो टेट्राड है इसके बारे में ये चीज़ पूछी जाती है, ये क्या है, तो टेट्राड इज अ स्क्वायर ऑफ फोर कोकाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी अरेंजमेंट आती है उसको हम बोलते हैं सॉर्काइना अरेंजमेंट, इसको मैं रिमूव करूँगा ऊपर से। नेक्स्ट लाइक इस तरह से ये शेप आ जाती है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास शेप आ गई इसको हम बोलेंगे सॉर्काइना अरेंजमेंट, सॉर्काइना। अब ये सॉर्काइना क्या है, इट इज अ क्यूब ऑफ एट कोकाई, यानी कि एक क्यूब है जिसके अंदर एट कोकाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास उसकी शेप्स के लिहाज से हमने उसकी जो है वो डिस्कशन कर ली, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि अगर वो सिंगल यूनिट्स में है तो वो कोकाई होंगे, अगर तो वो पेयर्ड फॉर्म में आ गए तो वो डिप्लो कोकाई, इसके अलावा अगर वो टू प्लेन्स में आ गए तो टू प्लेन्स में हमारे पास जो है सिंगल प्लेन में अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर टू प्लेन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो टेट्राड अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो टू प्लेन्स में ही हैं और वो अरेंजमेंट बना रहे हैं क्यूब ऑफ एट कोकाई की, तो वो है सॉर्काइना अरेंजमेंट। इसके अलावा अगर तो कोकाई जो है वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएं, लाइक क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, इस तरह से, जैसे क्लस्टर होता है ग्रेप्स का, लाइक यू, अब ये जो अरेंजमेंट है ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है जी, लाइक दिस वन। तो इस अरेंजमेंट को, क्योंकि ये इरेगुलर पैटर्न में है
तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे स्टेफाइलो कोकाई, स्टेफाइलो कोकाई, ठीक है जी। जो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें जो कोकाई हैं वो इरेगुलरली अरेंज हो जाएं, तो वो होगी स्टेफाइलो कोकाई। अब हम देख लेते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो कोकाई की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा होगा बुक में, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी एंड स्टेफाइलोकोकस यूरियस आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोकाई। तो ये कुछ एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्म्स हैं इनको आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, मैंने आपको सारी हर बात यहाँ पे क्लियर कर दी। नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी बैसिलस की टाइप को, जो हमारी है बैसिलस। अब ये जो बैसिलस होते हैं, बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं, यानी इनकी जो शेप है वो रॉड लाइक होती है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब इसकी जो कैटेगरीज हैं उसमें आ जाती हैं, फर्स्ट कैटेगरी इसकी जो बनती है वो है बैसिलाई, बैसिलस, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, और स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है जी, ये थ्री फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। इसकी एक और खास बात ये है कि जो बैसिलस है ये सिर्फ वन प्लेन में डिवाइड होता है, वन प्लेन में डिवाइड होता है, डिवाइड इन ओनली वन प्लेन। इसकी टू डिवीजन्स में जो टू प्लेन्स में डिवीजन इसकी नहीं होती, इसकी डिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन में होती है, ये भी बात आपने याद रखनी है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बैसिलस क्या है। अब क्योंकि ये रॉड शेप्ड है तो रॉड शेप जो है वो इस तरह से होगा, लाइक यूम, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास है, अगर जो सिंगल यूनिट है इसका, तो वो हमारे पास क्या होगा, बैसिलस, यानी ये क्या है हमारे पास, बैसिलस। अब अगर वन प्लेन के अंदर ही टू बैसिलस जो हैं वो पेयर्ड बना लें तो वो क्या बन जाएगा, डिप्लोबैसिलस, लाइक इस तरह से यूं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिप्लोबैसिलस। ये हमारे पास आ गया डिप्लोबैसिलस। अब याद रहे कि इसमें इस तरह नहीं होता क्योंकि डिवीजन सिर्फ वन प्लेन में है, तो अगर हम ये कहें कि इनमें ये कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है इस तरह से कि ये इस तरह से टू प्लेन्स में आ जाते हैं। अब अगर आप देखें तो ये भी डिप्लोबैसिलस है, ये भी डिप्लोबैसिलस है, क्योंकि ये दोनों पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, पर ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिवीजन सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन में होती है, जबकि अगर ये इसको देखें तो ये टू प्लेन्स में आ गया, तो ये फॉर्म एग्जिस्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये बैसिलस हो गया, ये हमारे पास आ गया डिप्लो बैसिलस। तो अब अगर जो बैसिलस हैं ये वन अपने सिंगल प्लेन में ही, वन प्लेन के अंदर ही एक लॉन्ग चेन बना दें तो वो बन जाएगा हमारे पास क्या, स्ट्रेप्टो बैसिलस, लाइक इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो कौन सी टाइप आ गई, स्ट्रेप्टो बैसिलस, जिसमें जो बैसिलस है उन्होंने क्या किया कि एक अपने सिंगल प्लेन के अंदर एक सिंगल डायमेंशन में क्या किया कि एक लॉन्ग चेन बना दी, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रेप्टो बैसिलस। अब इसकी जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो इसमें आते हैं, जैसे एस्केरिशिया कोलाई वगैरह, वो इसमें आते हैं, और इसके अलावा बैसिलस सबस्टाइलस और साथ में स्यूडोमोनास, ये जो है इसकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी थर्ड कैटेगरी को, जो क्या है, स्पायरल, स्पायरल शेप बैक्टीरिया। अब स्पाइरल शेप को अगर हम देखें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये बैक्टीरिया है इसकी जो शेप है वो स्पाइरल शेप होगी, स्पाइरल शेप होगी इसकी, ठीक है जी। अब इसकी कैटेगरी में भी थ्री फॉर्म्स आती हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म आती है वाइब्रियो,
सेकेंड आती है स्पेरिलम और थर्ड आती है स्पायरोकीट। स्पायरोकीट ये आपने याद रखना है कि जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हैं उसके आगे से थ्री फॉर्म्स बनती हैं, जिसमें फर्स्ट है वाइब्रियो, सेकंड है स्पेरिलम और थर्ड है स्पायरोकीट। अब ये वाइब्रियो जो है इनकी शेप क्या होती है, वाइब्रियो जो हैं ये कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड यानी कि इस तरह से, और दूसरी इनमें खास बात क्या है कि ये कोमा शेप्ड होते हैं, कोमा शेप्ड, और स्ट्रक्चर इनका होता है रॉड लाइक। ठीक है जी, कोमा शेप रॉड। तो ये हमारे पास आ गया वाइब्रियो का, कि वाइब्रियो क्या थी कि ये कर्व्ड है, कोमा शेप्ड है, कोमा शेप्ड इस तरह से बनती है, लाइक ये अगर आप देखें तो कोमा जो है वो इस तरह से ये फॉर्म, और रॉड तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो स्पिरिलम है वो क्या है, स्पिरिलम जो है थिक होता है, इसके अलावा रिजिड होता है, रिजिड थिक होता है और रिजिड होता है, और इसके साथ साथ ये स्पाइरल होता है, यानी कि थिक लाइक यूं, क्योंकि ये स्पाइरल भी है और रिजिड भी है, साथ थिक है। इसके अलावा जो स्पायरोकीट है इसकी बात करें हम, तो जो स्पायरोकीट है ये थिन होता है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्पाइरल होता है। क्लियर, यानी थिन और फ्लेक्सिबल और साथ में क्या है, स्पाइरल शेप है, शेप स्पाइरल है, थिन है और फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप स्पाइरल है, थिक है और रिजिड है। ये भी बातें आपने जो है MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। इसके अलावा इसकी कैटेगरी में जो आते हैं उसमें ये स्पायरोकीट्स वगैरह हैं, और साथ ही साथ इसमें जो हाइफोमाइक्रोबियम है ये बैक्टीरिया जो इसमें आ जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया बैक्टीरिया के साइज के लिहाज से, उसके कुछ जो जनरल स्ट्रक्चर की मैंने आपको बातें बताई जिनमें जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो बता दिए, और इसमें जो शेप है उसको हमने डिस्कस कर लिया जिसकी थ्री कैटेगरीज थी, कोकाई, बैसिलस और स्पाइरल शेप। तो ये हमारा जहाँ पे जो है एक मेन जो बेसिक टॉपिक था वो क्लियर हो गया MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स।